इस एक रेस से चॉकलेट लेने के बाद फिल्म में काम करने को तैयार हुए थे ऋषि कपूर। दिलचस्प है किस्सा, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके ऋषि कपूर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और बातें आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है। ऋषि कपूर ने एक से बढ़कर हिट फिल्में दी हैं। ऋषि कपूर इंडियन सिनेमा का वो जाना पहचाना नाम रहे जिसने हमेशा दर्शकों का मनोरंजन किया। ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से थे जिन्हें सिनेमा के इतिहास में अपने योगदान के लिए हमेशा जाना जाता रहेगा। आज हम आपको ऋषि कपूर से जुड़े कुछ खास किस्से बताने जा रहे हैं, जिसमें से एक ये भी था कि एक बार उन्हें चॉकलेट देकर सीन शूट करने के लिए मनाया गया था। ज्यादातर लोगों को लगता ऋषि कपूर ने कहा था कि गाने में मेरी उम्र बहुत कम थी, गाने में मुझे अपने भाई बहन के साथ सड़क किनारे चलते हुए जाना था। मेरा ये सीन बेशक देखने में आसान लगे, लेकिन इसे शूट करना बहुत मुश्किल था। यह सीन बारिश में शूट हुआ, मैंने जैसे वॉक करना शुरू की चेहरे पर पानी पड़ा, बस फिर क्या था, मैं बुरी तरह रोने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। तब पूरी शूटिंग रोक दी गई और नरगिस जी मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम चुप हो जाओ। उस वक्त एक चॉकलेट के बदले मैंने बिना रोए बारिश में चलते हुए अपनी जिंदगी का पहला शॉट दिया था। ये सीन बहुत खास था क्योंकि पापा की फिल्म में मेरा पहला सीन था, है कि ऋषि कपूर की पहली फिल्म मेरा नाम जोकर थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ऋषि कपूर ने फिल्म श्री 420 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इस फिल्म का मशहूर गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ, जिसमें राज कपूर और नरगिस के बीच रोमांस फिल्माया गया था। इस गाने के बीच में तीन बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते हुए दिखते हैं और इसमें सबसे छोटा और मासूम बच्चा ऋषि कपूर थे। इस सीन में दिखे दूसरे बच्चे ऋषि कपूर के भाई बहन हैं। इस सीन को करने के लिए नरगिस ने ऋषि कपूर को चॉकलेट दी थी और इसके बाद ही ऋषि बारिश में भीगते हुए इस सीन को करने के लिए तैयार हुए थे। इस सीन के बारे में एक बार ऋषि कपूर ने एक इवेंट के दौरान बात की थी। उस वक्त ऋषि कपूर ने इस सीन को फिल्माने के पीछे की मजेदार कहानी सभी को बताई थी।